लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनावी प्रक्रिया जारी है। वही 6 चरणों में मतदान हो चुके हैं। 7वें चरण के लिए 1 जून को मतदान होने हैं। वही यूपी में केवल 13 सीटों पर मतदान बाकी है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां धुआंधार प्रचार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को गोरखपुर, मिर्जापुर, पटना साहिब और आरा लोकसभा सीट पर लोकसभा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, लोकसभा चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच है। एक तरफ भगवान राम को नकारने वाले, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले, राम मंदिर को बेकार बनाने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ 500 वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त कराकर प्रभु राम लला को उनके भव्य मंदिर में विराजमान कराने वाले लोग हैं। सीएम ने मिर्जापुर में कहा कि मिर्जापुर विकास की दौड़ बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ रहा है। भीषण गर्मी में कभी पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने वाले इस क्षेत्र में हर घर नल योजना क्रियान्वित हो रही है। बहुत जल्द जल की समस्या का स्थायी समाधान भी हो जाएगा। 2014 के पहले मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज कल्पना नहीं थी, पर आज यहां मेडिकल कॉलेज है। अगले वर्ष मिर्जापुर में विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने भी आएंगे। कांग्रेस जबरदस्ती देश पर धारा 370 लादे हुए थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से धारा 370 को हटाकर आतंकवाद को पूरी तरह खत्म कर दिया। सीएम योगी ने गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज राम भक्त देश के विकास के लिए 2 लेन से लेकर 12 लेन सड़क बनाने के लिए, एम्स, मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM, एयरपोर्ट बनाने के लिए, हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए, औद्योगिकीकरण के लिए काम कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि पीपीगंज पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की कर्म भूमि रही है। साथ ही यह पूर्व की पनियारा और मानीराम विधानसभा क्षेत्र का जंक्शन भी है, जहां एक तरफ से स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह और दूसरी तरफ से उनके पूज्य गुरुदेव महंत अवैद्यनाथ जी महाराज प्रतिनिधित्व करते थे। सीएम योगी ने बिहार के पटना साहिब लोकसभा क्षेत्रों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परम राम भक्त है। सीएम ने कहा, आपके प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद भगवान राम के वकील रहे, जिन्होंने देशवासियों की आस्था के लिए कई वर्षों तक संघर्ष किया। उन्होंने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में प्रभु राम की लड़ाई को प्रभावी ढंग से लड़ा। इतना ही नहीं, इनके पिताजी ने पिछले 5 दशकों तक भारत की भारतीयता और राष्ट्रीयता के लिए लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में निष्ठा के साथ प्रभु श्री राम की लड़ाई को लड़ा। उन्होंने भारत के लोगों के जीवन को पुण्यमय करने का काम किया है।